हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है। इसे समझने के लिए मानकर चलिए एक कंपनी है जो कि प्राइवेटली ओन्ड होती है, यानी जिसके जो मालिक हैं, जिसके जो शेयर होल्डर हैं, वो कुछ ही लोग हैं, जैसे कि प्रमोटर, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, या कुछ केसेस में वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, या कुछ केसेस में जो कंपनीज होती है जो अपने टैलेंटेड इम्प्लॉयज होती है उन्हें भी शेयर होल्डर बना देती है, ताकि वो लोग अपने आप को हिस्सेदार समझते हुए, उस कंपनी का शेयर होल्डर समझते हुए उस हिसाब से काम करें। तो मानकर चलिए जिस भी फील्ड में ये कंपनी वर्क कर रही है वहां पर ये अच्छा रोल प्ले कर रही है, और ये कंपनी जो है अच्छी तरीके से काम कर रही है। और फिर जब इस कंपनी को लगता है कि इससे अपने बिजनेस को और ग्रो करना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो उस केस में इसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और उस केस में इसके पास तीन ऑप्शन होते हैं जिसके थ्रू इसके पास कैपिटल आ सकती है। पहला ऑप्शन ये होता है कि वो अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स से कैपिटल ले ले, लेकिन जब भी किसी कंपनी को ग्रो करना होता है तो उसे जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो करोड़ों अरबों रुपए में होती है, जो कि उनके फ्रेंड्स या जो फैमिली मेंबर्स है वो पूरी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है वो बैंक का होता है कि वो बैंक से लोन ले लें। तो इस केस में क्या होता है कि उनकी कंपनी प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, उन्हें बैंक को जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट जो उन्होंने लोन के रूप में लिया है और प्लस इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस केस में कंपनीज क्या कहती हैं कि हम लोन के लिए बैंक के पास क्यों जाएं, क्यों ना हम जनरल पब्लिक को ही अपने बिजनेस में हिस्सेदार यानी कि शेयर होल्डर बना लें। तो इस केस में जब भी कोई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पब्लिक से पैसे रेज करना चाहती है तो उस केस में उसे शेयर मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है, और इसे ही हम आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। यानी जब भी कोई कंपनी पहली बार जनरल पब्लिक को अपने कंपनी का हिस्सेदार बनाना चाहती है तो उसे ही हम आईपीओ कहते हैं। आईपीओ रिलीज करने के बाद कोई भी प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं रहती है, वो पब्लिक कंपनी बन जाती है, क्योंकि इसमें जो पैसा है वो पब्लिक का भी इन्वेस्ट हो चुका होता है। तो फ्रेंड्स, इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकती है, यानी एक बायर को क्या बेनिफिट हो सकती है? जब भी कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में आती है और अपने आईपीओ को रिलीज करती है तो उस टाइम पर जो वो अपने शेयर्स को देना चाहती है जनरल पब्लिक को, तो वो बहुत ही कम रेट में अवेलेबल होते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद वही शेयर आपको 2 से 3 गुने ज्यादा रेट में परचेज करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आईपीओ क्या होता है। अगर आप भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एंजल ब्रोकिंग के थ्रू कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.